आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या फिर नौकरी, कई जरूरी कामों के लिए इस कार्ड की खास जरूरत हम लोगों को होती है। इसके अलावा वित्त से जुड़े कई कार्यों को करने के लिए भी आधार कार्ड इस्तेमाल में आता है। ऐसे में इस कार्ड की काफी उपयोगिता हम लोगों के लिए है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में कई बार लोगों को किसी दूसरी भाषा को पढ़ने या समझने में दिक्कत आती है। आधार कार्ड पर अक्सर नाम अंग्रेजी या हिंदी भाषा में अंकित होकर आता है। ऐसे में अगर आप अपने आधार कार्ड को रीजनल भाषा में अपडेट कराना चाहते हैं तो ये करना काफ़ी आसान है। UIDAI आपको इसकी सुविधा देता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में जिसकी मदद से आप अपने आधार कार्ड को अपनी रीजनल या लोकल भाषा में अपडेट कर सकते हैं। आधार कार्ड को अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है। उसके बाद आधार सर्विस सेक्शन के विकल्प का चयन करें। यहां आपको अपने आधार के 12 अंकों वाला नंबर दर्ज करना है। नेक्स्ट स्टेप पर कैप्चा कोड दर्ज करके आगे पूछी गई जरूरी जानकारी को दर्ज करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको उसे दर्ज करके अपडेट डेटा बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप अपनी लोकल भाषा में अपडेट करना चाहते हैं तो आपको रीजनल भाषा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको अंग्रेजी के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, असमिया या दूसरी कई रीजनल भाषा के ऑप्शन मिलेंगे। भाषा के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वेबसाइट पर उसी लैंग्वेज में डिटेल्स शो होने लगेंगी। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपनी रीजनल भाषा में अपडेट करा सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया काफी आसान है। आशा करती हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।